नीलगिरी उपखंड उपदा ब्लॉक अंतर्गत कांडगरेडी ग्राम रे कोरोना योद्धा भाव कार्यरत आशाकर्मी को दुर्व्यवहार करने अभियोग एक एतला ईश्वरपुर फांडिया दि जा सूचना मिली। ईश्वरपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में कार्यरत आशाकर्मी मधुमिता नायक घर घर बुली सर्वे कर समय कांडगरेडी ग्रामर प्रदीप नायक आशाकर्मी को दीर्घ एक घंटा काल अश्लील भाषा गाळीगुलज कर अटकईले एणु कौन उपाय नपाई आशाकर्मी स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी फोन रे ए विषय में जोगाजोग करिबारु से घटनास्थल को जाई तांकु उद्धार करितिबा नै सूचना मिलिछि। एथिनै समस्त आशाकर्मी दीर्घ समय धरि कार्य बंद करितिले एणु उक्त व्यक्ति नाम नीलगिरी थाना अभियोग फांडी अधिकारी अग्रचरण दास ए घटना को गुरुत्वर सहित नै कार्यानुष्ठान ग्रहण करितिले। तबे घटनास्थल रे स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी डाक्टर संदीप बारिक डाक्टर रवि नारायण बेहरा स्वास्थ्यकर्मी बेणुधर जेना समूह पहुंची आशाकर्मी को बुझाइबा परे उत्तेजना प्रशमित होइतिला। तबे एभली कांड भियाइथिबा व्यक्ति विरुद्ध में विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण पई साधारण रे दाबी होउछि। मत घर को जाइनि से मत मैडम किस कही तार खाली मत कही मत खराब भाषा कहला जहाँ कि अश्लील भाषा जे आप सहीपर से भाषा मो झी को धरिकी मुझे ड्यूटी करते मो झी मो सांगर थी से मत जाते रास्ता भी अटकैला मुझे जाते भी देनी मुझे समय आश्रय पाई हस्पिटाल को फोन करती मोर सरपंच को भी फोन करती मोर वार्ड मेम्बर आगे थाना को सरपंच मत कह फांडी नंबर नियंतु फांडी नंबर फांडी सार को कर अच्छा जी आपण फांडी के आछंती एतला बाबद रे दीजंती। हां मु दीजी। अच्छा एतला देबा परे फांड बाबू कोन कहले से कहले आपण कोन जानछंती मु चाहिं मु कहिन जे मु तुगर मु जर कोविड 19 रे हम को गुटे योद्धा बोली घोषणा हे घोषणा हेला परे मु जे ड्यूटी जर जिबा से सुरक्षा रे करमी मु सेटा चाहू ए बाबद रे ईश्वरपुर स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी के जणैजंती। हां मु ईश्वरपुर हॉस्पिटल रे स्वास्थ्य केंद्र के जर मोर साधी मो संगर आसीथिले आज कथा देते। नीलगिरी कपिल सामल का रिपोर्ट अभय न्यूज़।